वीकेएसयू यानी वीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी स्नातक पार्ट थर्ड सत्र 2017 से 20 का स्टूडेंट है और आपके रिजल्ट में प्रॉब्लम है तो रिजल्ट को सुधार करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उस लिंक से जरूर जाते हैं तो वीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी की पर्पल की अपडेट आपको प्राप्त होगी। तो चलिए क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या कुछ समस्याएँ आई हैं इसको हम जान लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी स्नातक पार्ट थर्ड के त्रुटिपूर्ण रिजल्ट में सुधार करने के लिए 2 अगस्त तक समय दिया गया है, यानी 2 अगस्त से पहले आप अपना आवेदन कॉलेज में जाकर के जमा कर दीजिए, तब आपकी समस्याओं को सॉल्व कर दी जाएगी। यहाँ पे साफ तौर पे इन्फॉर्मेशन दिया गया। तो चलिए मैं जूम करता हूँ, जूम करने के बाद आप दोस्तों देख पा रहे होंगे स्नातक पार्ट थर्ड सत्र 2017 से 20 के स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर चलिए मैं मार्किंग कर देता हूँ 17 से 20 में पेंडिंग रिजल्ट देख सकते हैं। पेंडिंग रिजल्ट को सुधार करने के लिए वीकेएसयू ने वीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने सभी कॉलेज के प्राचार्यों के साथ में बैठक किया थे सोमवार को और 3 घंटे का मीटिंग हुई थी। इस दौरान यह निर्णय लिया गया था कि जितने भी स्टूडेंट उन सभी का आवेदन लिया जाएगा तो आप अपना कॉलेज में जा करके आप लोग आवेदन दे दीजिए। और यहाँ पर यह भी देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है 2017 से 20 के त्रुटिपूर्ण रिजल्ट को सुधार करने के लिए, इसका जो प्रभाव है पीजी वालों स्टूडेंटों पे भी पड़ रहा है। और 2 अगस्त से पहले आप अपना रिजल्ट को सही करवा लीजिए, फॉर्म को भर लीजिए। यहाँ पे जो जानकारियाँ निकल कर रही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी जानकारियों को पाने के लिए कुमार ग्रुप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो भी थी हमने आपके साथ साझा किया और मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।